हेलो एस्पायरेंट्स, 17 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट कर्टेल्स तमिलनाडु शेयर ऑफ कावेरी वाटर। तो ये है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कावेरी वाटर डिस्प्यूट। हमने कल भी डिस्कस किया था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट अब ऑर्डर देने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर अपना पास किया है, जिसमें उन्होंने कर्नाटका के लिए जितना वाटर अलोकेट किया गया था उसको इंक्रीज किया है बाय 14.75 टीएमसी। टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो ये पानी वॉल्यूम तो के लिए ये जो है यूनिट है, तो 14.75 टीएमसी फीट इंक्रीज हुआ है। मतलब तमिलनाडु का शेयर कम होगा और कर्नाटका का इंक्रीज होगा। तो कर्नाटका एक्चुअली अपर रिपेरियन स्टेट है। अपर रिपेरियन स्टेट मतलब के कर्नाटका से कावेरी रिवर फ्लो होके फिर तमिलनाडु जाती है। तो ये 802 किलोमीटर लॉन्ग जो कावेरी रिवर है तो कर्नाटका से फ्लो होके तमिलनाडु जाती है। तो इसलिए कर्नाटका यहाँ पे अलाउ करता है फ्लो। तो तमिलनाडु को यहाँ मेट्रो डैम से वो 192 टीएमसी कावेरी वाटर सप्लाई करते हैं कर्नाटका। तो इसमें से अब 14.75 टीएमसी वो कम सप्लाई करेंगे, मतलब 177.25 सप्लाई होगा। और जो टोटल एलोकेशन कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने जो फाइनल अवार्ड दिया था 2007 में, उसमें जो टोटल 740 टीएमसी में से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, चार एंटिटीज है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। तो केरला पुडुचेरी का शेयर उतना ही रहा है, वो उनका कम शेयर है, थोड़ा सा उनका बेसिन है, कावेरी बेसिन का पार्ट थोड़ा सा ही पार्ट उनके इसमें आता है। तो केरला को 30 टीएमसी और 7 टीएमसी पुडुचेरी को कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने दिया था अलोकेशन, वो उतना ही रहेगा। और तमिलनाडु का कम हो जाएगा और कर्नाटका का बढ़ जाएगा। तो 14.75 तमिलनाडु से कम होके 419 से 404.25 ये तमिलनाडु का शेयर होगा। और कर्नाटका का शेयर इतना ही 14.75 से इंक्रीज होकर अब 270 से 284.75 हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में मेन चेंज है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि कर्नाटका का शेयर इंक्रीज हो रहा है, तमिलनाडु का कम हो रहा है, तो तमिलनाडु अपना ग्राउंड वाटर यूज कर सकती है। तो ये एम्पिरिकल डेटा है, ये फैक्ट है कि तमिलनाडु के पास 20 टीएमसी ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस रूलिंग में कि इसमें से एटलीस्ट 10 टीएमसी ग्राउंड वाटर वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका ने भी अपने आर्ग्यूमेंट में कहा था अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, उसको रेगुलरली एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स ओवर एक्सट्रैक्शन से भी दिक्कतें आती है, मतलब फिर से वो बनेगा नहीं, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं होगा, तो वो कंसर्न भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 10 टीएमसी वो यूज कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऑफकोर्स कोस्टल एरियाज में यूज नहीं किया जा सकता, वहां पे अवॉइड किया जाता है, सी के क्लोज होता है इसलिए। तो ये भी एक पॉइंट रखी गई है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक्चुअली कर्नाटका को ज्यादा पानी मिलना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु सिटी जो है ग्लोबल सिटी है, बढ़ रही है सिटी, तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट एक्चुअली इग्नोर किया गया है बाय कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड इन 2007। तो इसलिए बेंगलुरु को ये 4.75 टीएमसी जो है उनको मिलना चाहिए। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक का अपर रिपेरियन स्टेट होते हुए भी कावेरी वहां से फ्लो होके फिर तमिलनाडु जाती है, फिर भी कर्नाटका की 28 डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट से अफेक्टेड है, तो इसलिए कर्नाटका का रिक्वायरमेंट है। और दो डिमांड्स रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, पुडुचेरी और केरला की। पुडुचेरी की डिमांड थी कि उनको सेकेंड क्रॉप ग्रो करने अलाउ किया जाए, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, पर कल्टीवेशन लिमिट रखी एरिया की 43,000 एकर्स की लिमिट रखी है। केरला का रिक्वेस्ट था कि उनको कावेरी वाटर यूज करने दिया जाए फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा ये सारे अलोकेशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 10 टीएमसी अलोकेट करना चाहिए फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और 4 टीएमसी अलोकेट करना चाहिए फॉर इनएविटेबल एस्केपेज। तो इसका एक स्पेयर रखना चाहिए, क्योंकि कावेरी वाटर से सी में भी जाएगा, इनेविटेबली एस्केप होगा वाटर, तो 4 टीएमसी उसके लिए रखा गया शेयर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर उनको कावेरी वाटर शेयरिंग स्कीम को फॉर्मुलेट करना है, बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है, कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड उनको बनाना है, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड में मेन प्रोविजन है, जिसको जो चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने इस अवार्ड में किए, इस जजमेंट में किए, उसको मिला के कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड कंप्लीटली उनको इंप्लीमेंट करना है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो ये सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है रिगार्डिंग द एंटायर 740 टीएमसी, कैसे ये शेयर किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, चार स्टेट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इनेविटेबल एस्केप का। इनेविटेबल मतलब होना ही है। तो ये है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में दिया हुआ है, सीएमबी जो बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने के लिए विद इन 6 वीक्स, तो उसके बारे में। तो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए, 3 होल टाइम मेंबर्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और हर एक रिपेरियन स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और ये बेंगलुरु की रिक्वायरमेंट के बारे में दिया गया। फिर दूसरा न्यूज आइटम है कावेरी और नेशनल एसेट नो एक्सक्लूसिव ओनरशिप से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये भी कहा है कि रिवर वाटर शेयरिंग में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लगाना चाहिए, पर इक्वालिटी का ये मतलब नहीं होता है कि हर एक स्टेट को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, मतलब जैसे हर एक को 200-200, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये नहीं होता कि इक्वल इन नंबर, बट इक्वल कंसिडरेशन देना चाहिए, इक्वली सोचना चाहिए उनकी हर एक स्टेट की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उनको हर एक को कंसिडर करना चाहिए। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वो। इक्विटेबल मतलब के जो फैक्टर्स कंसिडर किए जा रहे हैं उसके हिसाब से स्टेट्स को वाटर लोकेट किया जाए, नॉट इक्वल मींस इक्विटेबल। तो ये क्लैरिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने इंटरनेशनल जो रिवर्स है, इंटरनेशनल रिवर्स जो काफी नेशंस के बीच में शेयर होती है, उनका रिवर वाटर शेयरिंग कैसे होता है उसका जो रेफरेंस भी दिया है उन्होंने। हेलसिंकी रूल है ये 1966 का, जिसके अंदर ये इक्विटेबल यूज का प्रिंसिपल अपहोल्ड किया गया है। तो जो रिवर होती है वो हर एक कंट्री को उनको जो अलोकेशन दिया जाता है उसके लिए फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं वो है, एक तो ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी, बेसिन का उस रीजन में क्लाइमेट कैसा है, पहले कैसे यूटिलाइज हो रहा था अब तक वाटर, इकोनॉमिक सोशल नीड्स क्या है वहाँ की, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है वहाँ पे, और रिसोर्सेज वहाँ पे कितने अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वाटर लोकेट किया जाएगा। तो ये और एक इंटरनेशनल नॉर्म्स में ये रूल है कैंपियन रूल, तो वो भी इक्विटेबल और रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन को अपहोल्ड करता है इन शेयरिंग ऑफ इंटरनेशनल रिवर वाटर्स। तो ये भी रेफर किया गया है इन द रूल। तो हमने भी जैसे कि देखा था पहले भी कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट में भी तमिलनाडु को सबसे ज्यादा शेयर इसीलिए भी मिला है क्योंकि हिस्टोरिकली उनको ज्यादा शेयर मिला गया है, इरिगेशन फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल की गई है, तो वहाँ पे ज्यादा क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं, कई रीजन में 3 क्रॉप्स इन अयर होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, इसलिए वाटर लोकेशन भी उनका हिस्टोरिकली ज्यादा रहा है। फिर अगला है फॉर तमिलनाडु वर्डिक्ट हैज इट्स शेयर ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो इस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि तमिलनाडु का शेयर कम किया गया है मतलब कि तमिलनाडु को सब कुछ नेगेटिव ही मिला है, तमिलनाडु के लिए भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। मेन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश करना अभी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो गया है। और ये कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश होने से जो मेन बेनिफिट होगा वे ये होगा कि अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही से प्रोविजन होगा, क्योंकि फिलहाल जो है कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाया नहीं गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ट्रिब्यूनल अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद जो शेड्यूल है कि वाटर रिलीज करना है, जैसे कर्नाटका से तमिलनाडु को वाटर मिलना चाहिए तो कर्नाटका वाटर रिलीज करे वो जरूरी है, तो इसका शेड्यूल होता है, मंथली रिलीज होता है कितना अमाउंट रिलीज करना है, तो वो एंश्योर करने के लिए कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बोर्ड का होना जरूरी है, जो फिलहाल नहीं है इसलिए कर्नाटका करती नहीं है। इसलिए हमने पिछले साल भी कई बार देखा 2017 में कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके डिमांड करती है तो कर्नाटका को ऑर्डर देती थी सुप्रीम कोर्ट कि वाटर रिलीज करो वाटर रिलीज करो, तो वो वाटर रिलीज करते थे। तो एक बार बोर्ड बन जाएगा तो उनको एंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाटर रिलीज किया जाए, तो ये तमिलनाडु के फेवर में है। फिर इसके अलावा और एक पॉइंट जो तमिलनाडु के फेवर में है वो ये है कि उन्होंने जो इरिगेटेड एरिया का अपना जो फाइनल फिगर दिए है जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने भी एक्सेप्ट किया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, उसको 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 अलग नहीं किया, उसको कुछ चेंज नहीं किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इनकरेक्ट है, ऐसा आप कोई बोल नहीं सकता, तो ये भी तमिलनाडु के फेवर में पॉइंट है इस जजमेंट में। फिर और अगला न्यूज आइटम है लैक ऑफ डिस्ट्रेस फॉर्मूला वरीज कर्नाटका फार्मर्स।
तो कर्नाटका के लिए वाटर शेयर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कर्नाटका के भी कंसर्न्स है। जो तमिलनाडु को बेनिफिट हो रहा है तो कर्नाटका को डिसएडवांटेज है, क्योंकि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश करने के वो खिलाफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये एस्टैब्लिश किया जाएगा तो हमारा जो सुपरवाइजरी रोल है अपने हमारे रिजर्व्स पे कर्नाटका गवर्नमेंट का, वो छीन लिया जाएगा। तो वो नहीं चाहते कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड लाया जाए, और वही कह रहे हैं, और एक पॉइंट ये डाल रहे हैं कि अगर जो अलोकेशन दिया गया है वो तो नॉर्मल ईयर्स के लिए, लेकिन डिस्ट्रेस ईयर्स हो गए जब ड्रॉट कंडीशंस है, जब पानी सफिशिएंट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या अलोकेशन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कि लीन ईयर्स में क्या होना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने उठाई है, तो ये भी उनके कंसर्न से। इवन फार्मर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में सिर्फ 1 साल में ही नॉर्मल रेनफॉल हुई है, तो लीन ईयर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे ये एंश्योर करेंगे कि हमको एडिक्वेट शेयर मिलेगा। तो ये इवन सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग तो हटा दी है एरिया ऑफ कल्टीवेशन पे, कि कितना एरिया कल्टीवेट कर सकती है कर्नाटका गवर्नमेंट, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पर वही है कि एडिशनल वाटर अलोकेट किया गया तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन एटलीस्ट 1 लाख एकर्स ऑफ लैंड से बढ़ेगी, लेकिन अगर लीन ईयर होगा तो उनको सफिशियंट वाटर कैसे मिलेगा, ये उनकी वरी है, कंसर्न है, फिक्र है। फिर अगला है शो सोर्स ऑफ इनकम टू कंटेस्ट कोर्ट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि सारे पॉलिटिशियंस को, उनके हस्बैंड्स वाइफ स्पाउसेस को और उनके जो भी एसोसिएट्स हैं, सबको अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना होगा, अपने कितने उनके पास कितना एसेट है सब डिक्लेयर करना होगा, तो ही वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं। और ये एक परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली देखे कि जो सिटिंग एमपीज और एमएलएज है उनके स्पाउसेस, उनके एसोसिएट्स, उनका वेल्थ कितना इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं करप्शन की वजह से ये पैसा इनका अक्यूमुलेट होता है, तो ये इसके ऊपर रेगुलर चेक, परमानेंट मैकेनिज्म होके कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग में कहा है। फिर अगला है How did system allow PNB fraud? Asked CVC. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो इंडिया की टॉप मोस्ट बॉडी है जो करप्शन के अगेंस्ट स्टेप्स लेती है, इन्होंने RBI के सीनियर ऑफिशियल्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, सबकी मीटिंग रखी है अब ये चेक करने के लिए कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक में जो इतना बड़ा 11,500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है जो, तो वो कैसे हो गया, मतलब जो चेक्स एंड बैलेंसेस बैंकिंग सिस्टम में होते हैं उनको सबको बाईपास करके ये फ्रॉड कैसे मुमकिन हुआ। तो इसलिए वो देखना चाहते कि कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, वो चेक करना चाहते जो करेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ जूनियर एम्प्लॉइज कर सकते ये उनको कन्विंस नहीं हो रहे है CVC, क्योंकि ऑडिट होता है बैंक्स में, 3 लेवल्स पे ऑडिट होता है, एक तो इंटरनल ऑडिट ही होता है बैंक्स का, एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट किया जाता है बैंक्स के लिए, और स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो RBI करती है। तो इतने ऑडिट्स, 3 ऑडिट्स होने के बावजूद भी ये सब सामने क्यों नहीं आया आपका, तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है। और एक जो डेवलपमेंट है इस स्कैम में, नीरव मोदी तो मेन अक्यूज है ही, उनके रिलेटिव्स, पर और एक जो रिलेटिव सामने आए मिस्टर नीरव मोदी के अंकल मिस्टर चोकसी, तो इनके गीतांजलि ग्रुप के ये हेड है, तो उनके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर किया गया, उन्होंने भी 4,887 करोड़ का फ्रॉड किया है पंजाब नेशनल बैंक। फिर अगला है अ सेबी प्रोब स्टटर्ड टू अ स्टॉप। तो एक्चुअली मार्च 2017 में सेबी ने ऑर्डर किया था कि ये मेहुल चोकसी जो गीतांजलि जेम्स के ओनर है, उन्होंने सिक्योरिटी लैप्सेस किए हैं यहाँ पे, जो उनके इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि जो रेगुलेशंस है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशंस को, तो इसलिए यहाँ पे और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसके ऊपर। ये सेबी में एक होल टाइम मेंबर ने तभी ये ऑर्डर इशू किया था, लेकिन सेबी ने इसको फॉलो अप नहीं किया, जिस वजह से अब ये पूरा फ्रॉड अभी सामने आ रहा है अराउंड अ ईयर लेटर। तो ये जो यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया था वो ये था कि जो प्रमोटर्स है ये अपने खुद शेयर, कंपनी के शेयर्स खुद खरीद रहे, और कितना खरीद रहे वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे, तो इसके ऊपर केस एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे वो सेबी को, ये सब जो थे वो पॉइंट्स थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ही तब नहीं किया गया।
तो यही हमने जो देखा था रिगार्डिंग पंजाब नेशनल बैंक शेयर के ये लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए जाते थे, तो ये गीतांजलि, जिली इंडिया और नक्षत्र जो डायमंड कंपनी से, इन्होंने भी यहाँ पे फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो है लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग ये इशू किए गए थे इनके थ्रू। फिर अगला है पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सेज आरबीआई। तो आरबीआई कह रही है कि जो पंजाब नेशनल बैंक में ये फ्रॉड सामने आया है ये इंटरनल फेलियर की वजह से, इंटरनल कंट्रोल्स फेल हुए थे यहाँ पे, ऑपरेशनल रिस्क ये हाईलाइट करता है, मतलब कि ये जो गलत बिहेवियर था बैंक एम्प्लॉइज का उनकी वजह से ये फेलियर हुआ है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स फेल हुए हैं। और आरबीआई कह रही है हम भी सुपरवाइजरी असेसमेंट अब कर रहे हैं और करेक्ट मेजर्स, अप्रोप्रिएट मेजर्स हम भी उठाएंगे। फिर अगला है पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड ब्रिंग्स बैक द इशू ऑफ नो योर एम्प्लॉय नॉर्म्स। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड हुआ था इसमें अब फिर से केवाईई, केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, तो बैंक को कहा जाता है नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स फॉलो करे, तो नो योर एम्प्लॉय नॉर्म्स भी बैंक के लिए काफी जरूरी है। तो ये स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए काफी जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज जिनको वो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी बैकग्राउंड चेक सही से करे। तो ये बैकग्राउंड चेक इंडिया में काफी कम होता है स्पेशली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस है इतनी इवॉल्व नहीं हुई है और इतना प्रेशर भी आता है फ्रॉम ट्रेड यूनियंस वगैरह, तो एचआर पॉलिसी इतनी चेंज नहीं हुई है और ये अब चेंज होना जरूरी है। और एम्प्लॉइज के ऊपर ये सिर्फ रिक्रूटमेंट के टाइम पे नहीं पर बाद में भी उनके ऊपर चेक होना चाहिए, बल्कि ज्यादा चेक बाद में होना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। इवन आरबीआई ने ये हाईलाइट किया था इन 2005 इटसेल्फ कि नो योर एम्प्लॉय नॉर्म्स बैंक्स यूज करे और उनको एंश्योर करे कि ये हो, ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, क्योंकि काफी सारे फ्रॉड्स एम्प्लॉयज के साथ मिलके किए जाते हैं, स्पेशली सीनियर लेवल पे जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको बिजनेस लीडर्स जो है वो यूज करके उनको जो है उनको उनसे मदद लेके गलत तरीके से वो बैंक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए ये केवाई नॉर्म्स काफी जरूरी है। फिर अगला है आरबीआई डेटा शोज इंडियाज लोन फ्रॉड प्रॉब्लम एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड पीएनबी। तो आरबीआई डेटा में जो है लोन फ्रॉड केसेस काफी रजिस्टर हुए हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखा जाए 5 फाइनेंशियल ईयर्स का तो 8,670 लोन फ्रॉड केसेस है, तो ये अमाउंट है अराउंड $9.58 बिलियन। और जो फिलहाल जो फ्रॉड सामने आया पीएनबी में वो है $1.77 बिलियन का फ्रॉड, जो नीरव मोदी फ्रॉड है ये पीएनबी फ्रॉड। तो ये लोन फ्रॉड का मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो है बोरोवर्स जनरली पैसा लोन लेते हैं बैंक से और जानबूझ के वो बैंक को रीपे नहीं करते, तो ये जो है इसको लोन फ्रॉड कहा जाता है। तो ये काफी केसेस इंडिया में हुए है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। फिर अगला है द लास्ट न्यूज आइटम, ट्राई टू फाइंड प्रीडेटरी टैरिफ। तो ट्राई ने अब ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि प्रीडेटरी टैरिफ जो होता है, प्रीडेटरी टैरिफ मतलब कि इतना चार्जेस लेते हैं टेलीकॉम कंपनीज जो है मोबाइल फोन कंपनीज, मोबाइल मतलब मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो इतना कम होता है कि प्रीडेटरी मतलब के कंपटीशन को खा जाना बेसिकली, यहाँ पे तो बाकियों को खा जाना जैसे कंपटीशन एलिमिनेट कर देना, इतना पैसा कम कि सारे कस्टमर्स आपके पास ही आ जाए और बाकी जो कंपनीज है उनके पास कस्टमर बेस ही ना रहे। तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग का कंसर्न काफी हाईलाइट किया गया था आफ्टर रिलायंस जियो, उन्होंने जो अपना वेलकम ऑफर फ्री वॉइस एंड डेटा जो सब्सक्राइबर्स को दिया और फिर उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया अप टू 31 मार्च 2017। तो इसके ऊपर ट्राइब के पास कंप्लेंट भी आई थी फ्रॉम भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया कि ये प्रीडेटरी टैरिफ है। तो अब ट्राइब ने जो है ऑर्डर पास किया जिसके अंदर वो चाहते हैं कि ये प्रीडेटरी प्राइसेस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो इसलिए वो ये फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव अप टू ₹50 लाख इम्पोज कर सकते हैं ऑन टेलीकॉम कंपनी जो ऐसे टैरिफ ऑफर करती है प्रीडेटरी टैरिफ। तो अगर रूल्स से नॉर्म से कंप्लाई नहीं किया जाएगा तो टेलीकॉम कंपनीज को ₹5,000 पर डे का फाइन लगेगा मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। तो यहाँ पे ट्राई ने इवन सिग्निफिकेंट मार्केट पावर का डेफिनेशन भी चेंज किया है,
जो प्रिडेटरी प्राइसिंग के लिए यूज किया जाता है, तो सिग्निफिकेंट मार्केट पावर अब सिर्फ डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, कि सब्सक्राइबर बेस कितना है और ग्रॉस रेवेन्यू कितना है। पहले इसके अंदर और भी फैक्टर्स आते थे, जैसे सब्सक्राइबर बेस के अलावा टर्नओवर कितना है, स्विचिंग कैपेसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी है। तो अब इसका डेफिनेशन भी ट्राई ऑर्डर ने चेंज किया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो ट्राई के पास जो पावर्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उनको भी चेंज किया जा रहा है कि हम कैसे चेक करेंगे डेफिनेशन क्या होगा नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, प्रेडेटरी प्राइसिंग का डेफिनेशन क्या होगा, टैरिफ ऑफर्स में ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक की जाएगी। तो ये सब उन्होंने मॉडिफाई किया है। अब इवन वो कह रहे हैं कि हम स्नैप ऑडिट भी कर सकते हैं, मतलब रैंडमली हम मीटर और बिल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के थ्रू चेक किए जा सकते हैं कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए जो ट्राई अपॉइंट करेगी, और ये ऑडिट से पता चलेगा कि क्या ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा रही है, कस्टमर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं। तो ये ट्राई का लेटेस्ट ऑर्डर है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।